हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा सिंगार विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए एक शॉर्ट फ्रॉक और पजामे बनाने वाले हैं। पूरा सेट उनके लिए, एक शॉर्ट छोटा फ्रॉक बनाएंगे और साथ में पजामे बनाएंगे। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। मैंने ये लड्डू गोपाल जी की चोली बना ली है। ये आप किसी भी साइज में और किसी भी कोई से किसी भी लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने चोली बना ली है। ये मैंने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। आप जिस साइज़ में बनाना चाहें, 1 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, किसी भी साइज़ में, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने ब्लाउज़ बना ली है और ये मैंने ट्रिपल प्लाई का ऊन लिया है और बनाने के लिए मैंने 3 mm का क्रोशिया लिया है। ये देखिए, ब्लाउज बनाने के बाद हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, स्लिप स्टिच करने के बाद में हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 2 एंड 3। 3 चेन बनाने के बाद हमारे पास ये जितनी भी चेन है, हम इन सभी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बना लेंगे दो दो बार। ये देखिए, ये जो हमने चेन ली है, हमने इसी सेम चेन के नीचे एक बार और बनाया है। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया दो बार बनाएंगे। यहाँ से ड्रेस का घेर शुरू हो जाता है। तो घेर शुरू करने के लिए हम फर्स्ट राउंड में सभी चेन स्टिच में डबल क्रोशिया दो दो बार बनाएंगे। ये देखिए, इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा और हम अपना फर्स्ट राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हम अपने फर्स्ट राउंड के लास्ट चेन में पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी हमने दो बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमने जो है यहाँ पर 3 का चेन बनाया था, इसकी हम थर्ड चेन में जाएंगे और थर्ड चेन में जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हम फिर से 3 बार चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हमने जहाँ पर ये 3 चेन बनाया है, हम सेम इसके नीचे नहीं लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी फिर से हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। एक जो हमने ये 3 का चेन बनाया है, हम इसको भी काउंट करेंगे, और 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और अब हमें सेकेंड लाइन एवरी थर्ड चेन स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया 2 बार किया है, ऐसे ही हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे। सेकेंड राउंड में हमें एवरी थर्ड चेन स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ये हमने 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है और ये हम थर्ड चेन में आ गए हैं। और थर्ड चेन में आने के बाद हम डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से करते हुए हम ये अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हम यहाँ पर अपने वर्क के एंड में पहुँच गए हैं। और एंड में पहुँचने के बाद जो हमने शुरू में 3rd का चेन लिया था, 3 का चेन लिया था, हम अपने वर्क को इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें एक राउंड और कर सकते हैं, पर मैं इसको इतना ही रखूँ क्योंकि हम ये शॉर्ट ड्रेस बना रहे हैं, लॉन्ग नहीं बना रहे हैं। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। 2 चेन बनाकर लेकर हम इसके जस्ट नेक नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2। फिर जो नेक्स्ट चेन आएगा उसमें हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, 1 2। नेक्स्ट चेन, यहाँ पर हमें चेन के बीच, ये जो हमारे नीचे चेन है, इनमें कोई गैप नहीं देना है। ऊपर हमें 2 2 का चेन बनाना है। ये देखिए, और एवरी चेन में हमें इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया से उसको अटैच कर देना है। ये देखिए, इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे।
दो चेन बनाकर और एवरी चेन में हमें इसे सिंगल क्रोशे से स्टिच करना है। इसी तरीके से हम ये अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और अब हमने लास्ट में हम लास्ट चेन में आ गए हैं, दो का चेन बना लिया है। और जो यहाँ पर हमने ये दो चेन बनाई थी, इसमें हम सेकेंड वाली चेन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से इस ड्रेस का इसी पैटर्न में फ्रिल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि एक शॉर्ट ड्रेस है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, तो हम इसमें यहीं पर ही डिज़ाइन के तौर पे फ्रिल डाल रहे हैं। तो अब हम तीन चेन बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। थ्री चेन बनाने के बाद जो हमने ये दो चेन ली थी यहाँ पर, इनके बीच में से हम इनको सिंगल क्रोशिया करके स्टिच कर देंगे। अब फिर हम तीन चेन बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। फिर से हम जो हमने दो चेन बनाई थी उनके बीच में से हमें लेना है, ना कि हमें चेन के बीच में से लेना है। इनके बीच में जाएंगे और सिंगल क्रोशिए से हम इनको स्टिच कर देंगे, 1, 2, 3। फिर हम ऐसे ही चेन के बीच में से जाएंगे और इनको सिंगल क्रोशिया करके स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, एक जाली जैसा पैटर्न इनके बीच में आ जाएगा। और इसी तरीके से करते हुए हमें अपना सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके का आएगा। ये नीचे फ्रिल बनना स्टार्ट हो गए हैं और ये बहुत सुंदर लगेंगे जब ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, अभी हम ये देखिए लास्ट चेन में पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमने तीन का चेन बना लिया है और तीन का चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर इसमें जो ये हमने यहाँ पर तीन चेन बनाई थी, इसकी हम पहली चेन में जाएंगे। इस बार हमें ऊपर की तीन चेन में नहीं जाना है, ये हमें फर्स्ट चेन में ही जाना है जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी, और वहाँ पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, स्लिप स्टिच करने के बाद इस बार हम फोर चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। हर बार जितना भी लंबा आप ये नीचे का फ्रिल बनाएंगे, हर बार एक चेन और इंक्रीज कर देंगे। ये देखिए, अब जो ये हमने तीन का चेन बनाया था और इनके बीच का जो ये गैप है, ये देखिए, ये इनके बीच का जो गैप है, ये देखिए, ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हमें इनके बीच में से इस तरीके से जाना है और सिंगल क्रोशिया करके ये तीन के चेन को स्टिच कर देना है, चार चेन को, सॉरी, 1, 2, 3 एंड 4। फिर हम चार चेन बनाएंगे और जो ये नेक्स्ट यहाँ पर तीन के चेन के बाद में ये हमें गैप दिखाई दे रहा है, इसके बीच में को हम जाएंगे। हमें चेन के बीच में नहीं जाना है, इस गैप के बीच में को जाना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिए से हम इसको अटैच कर देंगे, 3 एंड 4। फिर हम नेक्स्ट गैप में जाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिए से इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये जाली इस तरीके से आ जाएंगी और हमें यही जाली बनानी है। तो चलिए, ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम लास्ट में पहुंच गए हैं। लास्ट में पहुंचने के बाद हम वही चार चेन बनाएंगे और जहां पर हमने ये स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट चेन में जाएंगे और यहां पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, और ये देखिए, ये इसका फ्रिल का कुछ पैटर्न इस तरीके से आएगा, ये जाली में रहेगा थोड़ा सा। और ये देखिए, ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके का रहेगा। जब लड्डू गोपाल जी इसको पहनकर बैठेंगे, बहुत सुंदर इसका लुक आएगा। और अभी हम इसमें लास्ट राउंड बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे कि हमने अभी जो लास्ट राउंड बनाया था उसमें हमने फोर चेन बनाई थी और इसमें हम ये बना रहे हैं फाइव चेन बनाएंगे और वही चेन के बीच में से जाके सिंगल क्रोशिया बना के स्टिच कर देंगे, 3, 4 एंड 5। फिर ऐसे ही जो ये गैप बन जाता है चेन के बीच में, हम इसमें जाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करके चेन को लॉक कर देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा लास्ट राउंड रहेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट राउंड नहीं बनाएंगे क्योंकि ड्रेस हम शॉर्ट बना रहे हैं, लॉन्ग नहीं बना रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपने वर्क के एंड में पहुँच गए हैं और एंड में पहुँचने के बाद जैसे हम लॉक कर रहे हैं, फर्स्ट चेन में जाएंगे जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में ये फाइव चेन बनाई थी, इसके हम फर्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। और स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे, वूल को।
ये देखिए अभी ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके का है, ये इसके फ्रिल इस तरीके के आएंगे, ये देखिए। अभी हम इसमें रेड वूल यूज़ करेंगे, ये देखिए, सेकंड फ्रिल बनाने के लिए। ये देखिए अगर आप ड्रेस को इतना रखना चाहें तो आप इतना भी रख सकते हैं, ये देखिए बहुत प्यारा इसका लुक आ रहा है, बहुत प्यारी लग रही है। पर अभी हम इसमें एक राउंड और बनाएंगे, ये हमने अपना फर्स्ट राउंड यहाँ से शुरू किया था, सेकंड वाला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये जहाँ पर ये हमने डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, इनकी एक एक चेन इधर की साइड भी है, ये देखिए ऊपर की साइड से बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है, तो हम इन्हीं में ही बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नोट लगा लेंगे, ये देखिए, और जहाँ से हमने ये स्लिप स्टिच किया हुआ है यहीं यहाँ से हम वर्क शुरू करेंगे, और हम ये सिंगल क्रोशिया यहाँ पर कर लेंगे, ये देखिए। और अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे, 1 2, जिस तरीके से हमने ये अपना शुरू किया था, इसमें फर्स्ट राउंड शुरू किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे। एवरी चेन स्टिच में हम यहाँ पर ये चेन स्टिच लेंगे, ये देखिए, जो ये नीचे की साइड डबल क्रोशिया किया हुआ है उसमें ऊपर की साइड ये लूप में बहुत आराम से दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर हम 2 का चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, इसको इस तरीके से उठाएंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरीके से हम ये अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हम अपने वर्क के एंड में पहुंच गए हैं, और एंड में पहुंचने के बाद हमें वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पर किया था। जो हमने ये यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो ये हमने डायरेक्ट स्लिप स्टिच नहीं किया था, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया था, तो अभी हम 2 चेन बनाए हैं, तो हम इसी में नीचे की साइड जाकर, या फिर अगर आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी हैवी है, यहाँ पर हमने नोट लगाई थी, ये देखिए निकल गया है, यहीं से ही आप इसको स्लिप स्टिच कर दीजिए। और वापस यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे, सेम पैटर्न हमें बनाना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। 3 की चेन बनाने के बाद ये जो जाली बनी है 2 की चेन की, इस जाली के बीच में से हम इसको निकालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करके स्टिच कर देंगे। वापस फिर हम 3 का चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाकर हम वापस फिर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरीके से करते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है, और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर लिया है, और अभी हम इसमें 2 राउंड और बनाएंगे। 2 राउंड हमने बना दिए हैं, 2 हमें और बनाना है। इस राउंड में हमने जो ये लास्ट वाला राउंड बनाया है इसमें हमने 3 चेन रखा है, इसमें हम 4th रखेंगे और नेक्स्ट में हम 5th चेन रखेंगे। तो हम ये दोनों राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, सेम उस ऐसे ही हमें कंप्लीट करना है जैसे हमने ये नीचे वाइट वाला कंप्लीट किया था, तो उसी तरीके से हम ये सेम दोनों राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तक ये ड्रेस इतना कंप्लीट हो गया है, रेड वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इस धागे को कट कर दिया है। ये देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है, क्योंकि ये फ्रिल ड्रेस है, तो ये अभी हम इसमें एक लेयर और बनाएंगे। जो हम लास्ट लेयर बनाएंगे वो हम यहाँ से बनाएंगे, जो हमने यहाँ पर ये फर्स्ट राउंड शुरू किया था जिसमें हमने सभी चेन स्टिच में डबल क्रोशिया किया था, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हम वाइट में बनाएंगे। अगर आप ड्रेस को इतना रखना चाहते हैं तो आप इतना भी रख सकते हैं, बट ये फ्रिल ड्रेस है तो मैं इसमें 3 लेयर बनाऊंगी, एक और हम वाइट का बनाएंगे, रेड हम बीच में रखेंगे, तो हम वो भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हम वाइट वूल लेंगे और यहाँ पर एक नोट लगाएंगे, और ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये हमारे पास स्लिप स्टिच जहाँ पर हमने किया था, ये हमारे पास पहला ये है चेन स्टिच है, तो हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इसको हम यहाँ पर ले जाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे और इस धागे को दबाते हुए जाएंगे। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2
और ये देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे और ये हम पहली चेन में जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे 1 2, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाके फिर हम इसी तरीके से कर देंगे। ये देखिए ये वाइट राउंड भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है और हमने ये फर्स्ट चेन में यहाँ पर चेन नहीं बनाया था, हमने यहाँ पर हमने वूल को स्टिच किया था सिंगल क्रोशिया के साथ, तो क्रोशिया में से हमने निकाल के स्लिप स्टिच कर दिया है। और अब हम सेकेंड राउंड में 3 का चेन बनाएंगे और ये इनके बीच से निकालेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया के साथ स्टिच कर देंगे। और अभी फिर से हम 3 का चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन के गैप में स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हम इसके भी 4th राउंड कंप्लीट कर लेंगे, इसी तरीके से 4 राउंड इसमें भी बना लेंगे, जैसे हमने 4 राउंड इसमें बनाए और इसमें बनाएंगे ऐसे ही हम इसमें भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये 2 राउंड कंप्लीट कर दिए हैं, अभी हमने 3rd राउंड शुरू किया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर का जो हमने जो ऊपर की ड्रेस बनाई है, ऊपर का जो फ्रॉक बनाया है वो बन के एकदम तैयार हो गया है। ये देखिए ये फ्रिल ड्रेस है, लेयर फ्रिल ड्रेस है। ये देखिए हमने इसमें 3 लेयर बनाया है। आप चाहें तो इसमें अपनी मर्जी से कितना भी बना सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। ये देखिए ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पर ये रेड कलर से बॉर्डर बना सकते हैं, पर मैं अभी इसमें रेड कलर का बॉर्डर नहीं बना रही हूँ, मैं बाद में देखूँगी। अभी चलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना पैंट बना लेते हैं। पैंट बनाने के लिए हम 34 चेन बना लेंगे, तो चलिए 34 चेन बनाते हैं। पैंट भी हम वाइट में ही बनाएंगे, तो वाइट 34 चेन ले लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 34 चेन ले ली है। 34 चेन लेने के बाद हम 2 चेन इसमें स्किप करेंगे और 3rd चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अभी हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाने के बाद भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अपना फर्स्ट राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, एवरी चेन स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट राउंड बन के कम्प्लीट हो गया है, ये हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पर वर्क के लास्ट में एंड में पहुँच गए हैं। लास्ट में पहुँचने के बाद हम यहाँ पर जो हमने ये स्टार्टिंग में 2 का चेन बनाया था, ये देखिए ये जो हमने स्टार्टिंग में 2 का चेन बनाया था, हम इसमें इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए हम इसको यहाँ से इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम 2 का चेन बनाएंगे और सेम हमें इसी चेन के नीचे नहीं बनाना है, नेक्स्ट चेन में हम जाएंगे, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि हमें यहाँ पर कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है, सेम चेन के ऊपर ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो चलिए हम ये अपने इसी तरीके से 5 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं और एवरी राउंड में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे, इसको जोड़ते हुए जाएंगे, ना कि हम इसको ओपन बनाएंगे। ये देखिए हम सेकेंड राउंड के एंड में पहुँच गए हैं और एंड में पहुँचने के बाद जो हमने यहाँ पर 2 का चेन बनाया था, हम इस चेन में जाएंगे और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया है, यहाँ पर ये ऊपर की साइड आएगा। और अभी हम वापस फिर से 2 की चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स हम पूरे 5 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अपने ये 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और अपने 5 राउंड के हम
लास्ट में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हम वही दो की जो चेन बनाई थी उसमें इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, ये देखिए, और इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हमारे पास टोटल 32 हैं, क्योंकि जो हमने 34 चेन स्टिच ली थी उसमें से हमने दो स्किप करके तब जाके हमने थर्ड वाली में डबल क्रोशिया बनाया, तो टोटल हमारे पास 32 चेन स्टिच हैं। तो अब हम यहाँ पर दो का चेन बनाएंगे, ये देखिए, दो का चेन बनाकर अब हम नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमें यहाँ पे 32 है तो हम इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास 16 एक साइड रखेंगे और 16 हम एक साइड रखेंगे। तो अभी हम पहले 16 चेन में 16 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं 16 चेन स्टिच में। तो ये देखिए, तीन, जो हमने ये दो का चेन बनाया है हम इसको भी काउंट करेंगे। तो अब हमारे पास दो डबल क्रोशिया हो गए और एक ही हमारे पास दो का चेन हो गया, तो टोटल हमारे पास तीन हो गए। तो चलिए हम पहले 16 बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 16 चेन स्टिच में डबल क्रोशिया कर लिया है, और इधर भी हम एक बार काउंट कर लेंगे जो हमारा दूसरा पैंचा है। आप इस तरीके से इसको हाफ हाफ डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार काउंट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर एक भी ज़्यादा कम ज़्यादा हो गया तो फिर पैंचे की चौड़ाई कम ज़्यादा रह जाएगी। तो ये देखिए, टोटल हमने ये 16 कर लिए हैं, और 16 करने के बाद अब जो हमने ये यहाँ पर ये फर्स्ट वाला दो का चेन बनाया था, हम इसमें जाएंगे सेकंड वाली चेन में, ये देखिए, और यहाँ पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे वापस, फिर हम दो का चेन बनाएंगे। अब पहले हम एक पैंचा तैयार करेंगे, और अब हम वही नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। अभी हम फिर से राउंड में इसी को इसी तरीके से, और ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पर चेन बनाई है इसके नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम इन सभी चेन स्टिच में इसी तरीके से राउंड में बनाते हुए जाएंगे डबल क्रोशिया, और लास्ट में दो जो हमने चेन बनाई है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, मैं आपको एक राउंड बना के दिखा देती हूँ। अब ये यहाँ से पैंचे का जो शेप है वो आ जाएगा, वो हमारा बनता चला जाएगा, क्योंकि हम ये एक पहले एक साइड का पैंचा बनाएंगे फिर दूसरी साइड का बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल ड्रेस है, इसका पजामा भी और ये ड्रेस भी, तो आप ये किसी भी साइज में बना सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, यहाँ पर हम ये लास्ट में पहुँच गए हैं। ये देखिए, लास्ट में पहुंचने के बाद हम यहाँ पर ये जो हमने दो का चेन बनाया था हम इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर हमें ये यहीं पर ही स्लिप स्टिच करना है, जो ये लास्ट वाला दो का चेन है, क्योंकि ये ट्रिपल प्लाई ऊन है तो इसमें ज़्यादा गैप नहीं रहता। ये देखिए, यहाँ से ये पैंचा बनना शुरू हो गया है एक साइड का, और एक साइड का यहाँ रहेगा। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पहले दो का चेन बनाएंगे, 1 2, और अब हम इस जैसे पहले करते आ रहे थे इसके सेम चेन स्टिच में नहीं बनाना है हमें, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे, ये देखिए। अब इसी तरीके से हम इसमें ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपने तीन राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, और अब मैं ये फोर्थ राउंड बना रही हूँ। और एक बार आप फोर्थ राउंड कंप्लीट करने के बाद
इस तरीके से इंची टेप से एक बार नाप लीजिएगा, क्योंकि जो चार नंबर लड्डू गोपाल जी की पैंट की जो लंबाई रहती है पजामे की, वो 3 इंच रहती है। तो मैं इसके चार, जो ये हम फोर्थ राउंड बना रहे हैं, तो मैं इसके बाद नेक्स्ट 5 राउंड नहीं बनाऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपके लड्डू गोपाल जी को यह साइज छोटा रहेगा, तो आप इसमें एक राउंड और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे फिर रेड कलर से बॉर्डर भी बनाना है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल हमें पैंट की लंबाई 3 इंच चाहिए। तो आप जितने भी इंच की आपके लड्डू गोपाल जी की पैंट आती है, तो आप उनसे नाप कर ही बनाइएगा। तो चलिए मैं ये फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3 4। और अभी हम इसको जब नाप के देखेंगे, ये देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट है। और ये देखिए बहुत थोड़ा सा इसमें खाली 2 mm का फ़र्क है। तो यहाँ पर जब हम रेड धागे से वर्क करेंगे, नीचे की साइड बॉर्डर बनाएंगे, तो ये उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उनको ज़्यादा बड़ा नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि फिर नीचे से पैर पूरा छिप जाते हैं, बड़ी आती है। तो इसलिए मैं ये 4 राउंड बना रही हूँ। अगर आपके लड्डू गोपाल जी का साइज़ थोड़ा इससे बड़ा है, या फिर आप उनको यहाँ से 5 राउंड बनाते हैं उनकी पैंट के, तो आप उतना बना लीजिएगा। मैं यहाँ से धागे को कट कर दूँगी। ये देखिए ये पाइचा बन गया है। ये पैंट ऊपर से है, हमें इसको कहीं से भी सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम नेक्स्ट पाइचा बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से हम लेंगे ये फर्स्ट, सॉरी इधर से उल्टा पड़ेगा, ये यहाँ से हमने इस पैंट का ले रखा है, और अब हम ये यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए, इसको पहले हम स्लिप स्टिच कर देंगे, और अब हम यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, 1 2, और नेक्स्ट चेन में जाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारे पास टोटल 16 डबल क्रोशिया हैं, तो हम सभी में इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल हमने 16 क्रोशिया बना लिए हैं, डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर जो ये यहाँ पर हमने शुरू में 2 का चेन बनाया था, 16 क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ शुरू में आएंगे, और इसके जो सेकंड वाला क्रोशिया है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, अभी फिर से हम 2 का चेन बनाएंगे, और इसके नेक्स्ट वाली चेन स्टिच में जाएंगे, और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से इसका सेकंड पाइचा भी बनना शुरू हो जाएगा, और अब हम इसमें भी पूरे 4 राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों साइड 4 4 राउंड बना के धागा कट कर दिया है। ये देखिए, पैंट बिल्कुल अच्छे से बन गई है, बहुत अच्छा इसका शेप आया है। ये देखिए, ये इसकी चौड़ाई भी 3 इंच है, और इसकी लंबाई भी 3 इंच है, क्योंकि अभी हमें इसमें बॉर्डर भी बनाना है। सिर्फ 1 mm का ही कम है, तो बॉर्डर से कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी ये वूल का है, तो ये थोड़ा स्टिच भी रहेगा, लड्डू गोपाल जी को बहुत ही आराम से ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम रेड से इसका बॉर्डर कर लेते हैं। ये देखिए, हम अपना रेड वूल लेंगे, और जहाँ पर हमने ये वर्क ख़त्म किया है, हम वहीं से ही रेड धागे से वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये हम इस तरीके से लेंगे, और यहाँ पर पहले हम इसको एक इस तरीके से नोट लगा लेंगे। अब हम इसी सेम चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, अभी हम इन दोनों धागे को दबाते हुए नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे। नेक्स्ट में भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अभी हम इसमें एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। पैंट का भी हम फ्रिल वाला लुक दे देंगे, तो एवरी चेन स्टिच में हम 2 2 बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, इसी सेम चेन स्टिच में हम एक बार और बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी हम पहले एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बार और सेम चेन में बना लेंगे। तो हम यहाँ पर सभी चेन स्टिच में 2 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये
ये देखिए हम यहाँ पर वर्क के एंड में पहुँच गए हैं, और लास्ट में पहुँचने के बाद हम यहाँ पर जो हमने ये यहाँ पर पहला जो डबल क्रोशिया सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ से धागे को कट कर देंगे। ये देखिए इसका लुक थोड़ा सा फ्रिल टाइप आ गया है, क्योंकि ये हमने यहाँ पर सभी चेन स्टिच में हमने दो दो बार बनाया। अगर हम एक एक बार बनाते तो ये लुक नहीं आता, तो फिर नॉर्मल ही रहता जैसा नॉर्मल बन रहा था। तो पर हमें ड्रेस भी हमने फ्रिल वाली बनाई है, तो हमने ये भी नीचे से फ्रिल वाला बनाया है। तो चलिए हम इधर की साइड भी ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखिए हमने ये दोनों पाइचे तैयार कर लिए हैं। अब हम ऊपर में यहाँ पर ये नहीं बनाएंगे, रेड कलर से हम डोरी बनाएंगे जिसमें हम 70 चेन बनाएंगे। 70 चेन बना के 70 चेन का हम एक डोरी बना लेंगे ऊपर यहाँ पर बांधने के लिए। तो चलिए वो हमें अलग से बनाना है, अलग से बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने 70 चेन का एक डोरी बना लिया है, और अब हम इसमें से इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हम यहाँ पर सबसे पहले ये पहला छोड़ेंगे, और इधर की साइड से हम दो के नीचे से इस तरीके से क्रोशिया हुक को निकालेंगे, और इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और इसी तरीके से करते हुए हम ये दो दो नीचे दबाएंगे, और दो दो हम ऊपर की साइड रखेंगे, और ये डोरी हम डाल लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम पूरे में डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सुई धागे की हेल्प से डोरी डालने के बाद इसमें मोती ऐड कर दिए हैं। आप भी ये सुई धागे की हेल्प से लगा सकते हैं, और पैंट बन के तैयार हो गई है। ये देखिए अब हम ब्लाउज़ के नेक पर और यहाँ पर दोनों में बॉर्डर बना लेते हैं। और बॉर्डर बनाने के लिए हम सेम उसी तरीके से यहाँ से हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे, लास्ट से यहाँ से ऐसे हम धागे को लेंगे, वूल को लेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें नोट लगा लेंगे। ये देखिए अभी हम सेम इसमें ही जाएंगे, और एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में जाने के बाद हम दो बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी हम दो बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, क्योंकि पीछे की साइड ये लूप रहते हैं, जो हम लोग डबल क्रोशिया के लूप बनाते हैं तो ये लूप रहते हैं, हम इनमें ही लूप में से लेकर ही बना लेंगे सिंगल सिंगल क्रोशिया दो दो बार, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी गैप रहता है। ये देखिए अभी हम नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट में भी हम दो बार बना लेंगे। और अब ये देखिए अभी हम जो हमने फर्स्ट चेन स्टिच डाली थी यहाँ पर अपना वर्क शुरू करने के लिए, अभी हम कॉर्नर पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर कॉर्नर पर जाने के बाद एक ही चेन स्टिच में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट चेन स्टिच है उन सभी में हम एक एक बार एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बॉर्डर में कहीं पर भी नहीं बनाना है, सब में ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए अभी हम नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर भी एक ही बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर भी एक ही बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो नेक का जो पूरा डिज़ाइन है वो हम इसी तरीके से बनाएंगे, जो पूरा बॉर्डर बनाएंगे एवरी चेन स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, और बैक साइड में हमें इसी तरीके से दो दो बार डबल सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो चलिए वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करेंगे, एवरी चेन स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये गले पर ये डिज़ाइन बना लिया है, बाजू पर मैं ये डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये वाइट के साथ में अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने बस ये खाली नेक पर और यहाँ फ्रंट साइड में बनाया है। तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बन के तैयार हो गया है। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को पहना के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पैंट एकदम बिल्कुल फिट आई है इनको, देखिए ना ही कहीं से गैप है और ना ही कहीं से कुछ भी कम ज़्यादा है। तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी को पैंट एकदम से फिट आई है। तो चलिए अभी हम इनको ये भी पहना के देखते हैं। और ये देखिए
लड्डू गोपाल जी को ये फ्रिल ड्रेस एकदम बिल्कुल अच्छे से आ गई है। और ये फ्रंट साइड से है, ये देखिए इसके फ्रिल्स और इसके लेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं ड्रेस को पहनाने के बाद में। और ये एक शॉर्ट ड्रेस है, लॉन्ग ड्रेस नहीं है, जिसका घेर काफ़ी बड़ा रहता है वो नहीं है। और ये देखिए ये बैक साइड से है, लड्डू गोपाल जी को कहीं से भी ठंडी नहीं लगेगी, हवा नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, लड्डू गोपाल जी का ड्रेस कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।